यहाँ पर किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार के लोगों से हम मिलना जाना चाहते थे, शोक संवेदना देना चाहते थे, लेकिन मुझे रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर के हम लोग और हमारे साथी निकल पड़े, तो रास्ते में जाकर के बसें लगा दी, बैरिकेटिंग लगा दी और गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हैं। पहली हमारी मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। दूसरी मांग है उनके बेटे जिन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग है मृतक जो लोग हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया और एक परिवार में 1-1 बैग को नौकरी। चौथी मांग है ये कृषि किसान विरोधी कानून है जो पास हुआ है उसे तुरंत वापस लिया जाए, न्याय केस की जांच हो, सिटिंग जज के द्वारा जांच हो और फिर इसमें जो दोषी हैं प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी तक किसानों के परिवार से आपकी बातचीत हुई है? प्रगति से समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसी घटनाएं जहां होंगी, किसानों पर जहां अत्याचार होगा और जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, किसान मारे गए हैं, तो प्रगति से समाजवादी पार्टी के लोग रुकने वाले नहीं हैं। सब जगह जाएंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे। सर अभी तक आपके किसानों के परिवार से बातचीत हुई है कुछ? अभी तो नहीं हुई, वो ही तो हलचल लेने जा रहे थे।